नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट। मैं हूं अभिषेक मिश्रा। इस वक्त की सबसे अहम खबर हम आपको देने जा रहे हैं और खबर बिहार के सियासी गलियारों से आ रही है। और खबर यह है कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बिहार वापसी हो गई है, पटना वापसी हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक तेजस्वी कल रात को ही पटना पहुंचे हैं और पटना पहुंचते ही सबसे पहले वो 10 सर्कुलर रोड गए हैं पूर्व मुख्यमंत्री और अपनी मां राबड़ी देवी के आवास पर। और आप जानते हैं तेजस्वी यादव को लेकर लगातार ये सवाल पूछा जा रहा था, अगर तेजस्वी यादव हमला कर रहे थे, लगातार हमलावर थे सरकार पर, बीजेपी पर, जेडीयू पर, तो उन हमलों की धार यह कहकर कमजोर करने की कोशिश की जा रही थी और उन हमलों का पलटवार इस तरह से किया जा रहा था कि तेजस्वी यादव को लेकर ये बात कही जा रही थी कि तेजस्वी यादव ना तो चमकी बुखार में बिहार में मिलते हैं, तेजस्वी यादव विधानसभा सत्र में बिहार में नहीं मिलते हैं, तेजस्वी यादव बाढ़ में बिहार में नहीं मिलते हैं और तेजस्वी यादव कोरोना संकट के दौरान भी बिहार से गायब हैं। ये सवाल लगातार पूछा जा रहा था। एक टीवी इंटरव्यू भी खूब वायरल हुआ था जब एक न्यूज एंकर ने तेजस्वी यादव से यह सवाल पूछ दिया था कि आप कहाँ हैं, इस इंटरव्यू को लेकर खूब बवाल हुआ था। तो अब भी एक खबर है पुख्ता तौर पर कि तेजस्वी यादव पटना में हैं, तेजस्वी यादव की पटना वापसी हुई है, बिहार वापसी हुई है। इससे पहले ना आरजेडी के नेताओं ने बताया कि तेजस्वी यादव कहाँ हैं, ना खुद तेजस्वी यादव की ओर से कहा गया कि वे कहाँ हैं। इतना जरूर कहा गया कि लॉकडाउन में फंसे हुए हैं और अब तेजस्वी यादव बिहार वापस आ चुके हैं। जाहिर है बिहार की राजनीति का पारा और चढ़ेगा। बिहार सरकार में मंत्री नीरज कुमार सलाह दे चुके हैं कि जहां भी हैं आप आइए, स्क्रीनिंग कराइए और तमाम तरह के हमले अपने चीर परिचित अंदाज में तेजस्वी यादव पर करते रहे हैं। जेडीयू के जो दूसरे नेता हैं वो हमलावर रहे हैं तेजस्वी यादव पर और ये कहते रहे हैं कि मजदूरों को लेकर ट्रेन चल रही है, अब स्पेशल ट्रेनें चलने लगी हैं, अब आप वापस आ जाइए तेजस्वी यादव जी। तो तेजस्वी यादव जिस तरीके से कोरोना संकट के दौरान बिहार में नहीं थे, उन पर तंज कसा जा रहा था, उनको लेकर सवाल उठाए जा रहे थे, उनकी राजनीतिक गंभीरता पर सवाल उठाया जा रहा था और अब तेजस्वी यादव पटना पहुंच चुके हैं। जाहिर है बिहार की सियासत गरमाने वाली है। जो जानकारी है उसके मुताबिक लॉकडाउन के बीच वापस आने के लिए उन्होंने सरकार से स्पेशल परमिशन ली थी और विशेष अनुमति लेकर वे बिहार पहुंच चुके हैं। इस खबर में इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे। प्यार, समर्थन और सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।